सभी लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखो एक्चुअली में आप सभी लोग वो हो जो मतलब ऐसा कहा जाता है ना कि जितनी लड़कियां होती है वो घर की रोशनी है, आप घर के चिराग हो, और शायद आपके पेरेंट्स आपको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, बट फिर भी आप लोग यहीं पर तैयारी कर रहे हो रुककर, तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और मुझे लगता है कि ये एक्सट्रीम लेवल ऑफ सेक्रीफाइस है, मतलब इससे बड़ा सेक्रीफाइस कुछ नहीं होता है, क्योंकि शायद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा त्यौहार है दिवाली, जिस पर अगर लोग फॉरेन में भी रहते हैं, विदेश में भी रहते हैं, तो भी अपने घर आ जाते हैं, लेकिन आप लोग पढ़ाई के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हो, दिस इज़ एन वेरी बिग थिंग। तो ये आप लोगों के लिए कुछ गिफ्ट है, वन बाई वन आप आते जाएँ। और हमारे साथ में डॉक्टर हिमांशु ओझा सर हैं, एक बार सर के लिए ज़ोरदार तालियां। सर आपको दो शब्द कहेंगे, वो एक बार आप सुने और फिर अपन पार्टी शुरू करते हैं। जैसा कि सर ने कहा, ऑब्वियस सी बात है कि हमारे इस देश में काफी जैसे काम का बहुत बड़ा महत्व है, इम्पॉर्टेंस इतनी ज़्यादा हो जाती है कि एक कोई भी, चाहे कहीं कोई जॉब कर रहा है या पढ़ रहा है, कोई बच्चा देश के किसी भी कोने से है, वो अपने घर जरूर जाते हैं, लेकिन आप वो बच्चे हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं इस साल इस त्यौहार से ऊपर अपनी तैयारी को समझा, अपने ड्रीम्स जो सपने आपने देखे हैं आपके पेरेंट्स के साथ, उनको साकार करने का सोचा भी है, और अपने पेरेंट्स ने इतना मेहनत करके आपको यहाँ तक भेजा है, आपने उनके बारे में सोचा इस बार, और डेफिनेटली जब इस तरह की सोच होती है तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। तो अगले साल से जो आपकी दिवाली हो बहुत अच्छी, हमेशा फैमिली के साथ रहे और फैमिली आप पे प्राउड करे, गर्व करे कि इतना अच्छा आप बन पाए, डॉक्टर बन पाए, अच्छे मेडिकल कॉलेज में पहुंच पाए। तो उसके लिए इस साल जो आप यहाँ पे रुक कर के तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम आपको वो कुछ छोटा मोटा साथ दे सकें, खुशी थोड़ी सी देर के लिए भी दे सकें, तो हम अपने आप को उसके लिए एक बड़ा समझेंगे। तो जैसा सर ने कहा, आज आपके साथ थोड़ा सा दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि दिवाली क्या है, खुशियों का त्यौहार है जिसमें मिठाई की बहुत इम्पोर्टेंस होती है, और वही मिठाई आपके साथ में शेयर करते हैं। एक और चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है, वो ये देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि हम हमेशा अक्सर ये कहते हैं कि घर में लक्ष्मी जो है वो पूजा करने से आती है, या आपने घर में बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त रोशनी कर दी, खिड़कियाँ खोल दी तो लक्ष्मी आ जाएगी। सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। अगर आप बिल्कुल अंधेरे हालात में भी, कि आपकी ज़िंदगी में आपको रास्ता नहीं दिख रहा है, आपको पता ही नहीं कि आपको करना क्या है, उसके बाद भी अगर आप मेहनत करने को, हार्डवर्क करने को, अपने ड्रीम्स का पीछा करने को तैयार है, तो आपके घर में उसी दिन से लक्ष्मी आना शुरू हो जाती है। ये बहुत गलत परसेप्शन है, हालांकि त्यौहार का तरीका है, पर एक चीज़ याद रखना सब लोग, घर में रोशनी करना, घर में उजाला करना, घर में दीपक जलाना बहुत आसान काम है, ज़िंदगी में या आपकी फैमिली में असली रोशनी, असली उजाला तभी होगा, असली खुशियां तभी आएगी जब आप लोग सक्सेसफुल हो जाओगे। और मैं अपने आप को बहुत प्राउड फील करता हूं कि मैं उन लोगों के साथ में दिवाली सेलिब्रेट कर रहा हूं जो यहाँ पर उनका मन लगा हुआ है, राजस्थान के बाहर के लोग हैं। आज आप देखो हिंदुस्तान का कोई सा भी जहाँ पर, मतलब जगह कोई सी ऐसी है जहाँ तैयारी होती है, वहाँ पर लोग बाग उस जगह को छोड़ो इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि धरती को छोड़ के जा रहे हैं, इतना स्ट्रेसफुल माहौल है। लेकिन यहाँ मुझे खुशी है कि अपन सब लोग बहुत अच्छे माहौल में तैयारी कर रहे हैं, यहाँ स्ट्रेस नहीं है, यहाँ हंसी मजाक है, और हंसी मजाक के साथ हम लोग तैयारी कर रहे हैं, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो वन बाय वन सब लोग एक बार वन बाय वन आते जाओ, एंड देन विल प्रोसीड दैट। पहले तो आपका देखो नाम बताना है आपको, इधर आ जाओ, नाम बताओ एक बार आपका। हमारा नाम दीक्षा मौर्य है। दीक्षा है ये, दीक्षा कहाँ से हैं आप? हम प्रयागराज यूपी से हैं। ये प्रयागराज यूपी से, तो दीक्षा एक बार ये बताओ कि पेरेंट्स ने बोला कि आना है? बिल्कुल। फिर
मेरा भी मन हुआ था एक बार, पर यहाँ पर हमारे टीचर्स ऐसे गाइड करते कि हम अगर कल रात को किसी चीज़ की वजह से फ्रस्ट्रेट हैं तो अगले दिन क्लास में हमें टीचर्स गाइड करके वो फ्रस्ट्रेशन, वो गाइडेंस प्रोवाइड कर देते हैं। तैयारी कैसी चल रही है आपकी? तैयारी बिल्कुल जैसी चली चाहिए वैसे परफेक्ट चल रही है। यूपी से अगर कोई स्टूडेंट अगर मान लो प्लान करता है नेक्स्ट टाइम, तो आप उसको क्या बोलेंगे? उसको यहाँ आना चाहिए तैयारी के लिए कि नहीं आना चाहिए? सोचना नहीं, मैं अगर इतनी दूर से आई हूँ और एज अ गर्ल इतनी सेफ फील कर रही हूँ और यहाँ के टीचर्स एक्सपीरियंस बहुत ही फ्रेंडली है, तो एक बार आना ज़रूर। एक बार दीक्षा के लिए ज़ोरदार तालियां बजा दो भाई। तो दीक्षा हैप्पी दिवाली टू यू सर, प्लीज़ प्लीज़ कम सर, प्लीज़ आइए ना सर, प्लीज़ आपको ही ट्रांसफ़र करना है, आप इस तरफ आइए। तो बहुत बहुत बधाई हो आपको, एंजॉय करें। और देखो एक चीज़ सुन लो, सारी मिठाई अकेले नहीं खानी है, आसपास डिस्ट्रीब्यूट कर लेना या फिर रहना अपने पास में थोड़ा सा बचा के रखना, लंबे समय के लिए काम आते रहेंगे आपके। चार बॉक्स मैंने कहा ये भी पूरा नहीं खाना है, फिर तुम कहोगे से मेरा पेट खराब हो गया। ओके फाइन, नेक्स्ट प्लीज। बस खुश रहो खुश रहो खुश रहो, आ जाओ आप आ जाओ। आपका नाम बताओ एक बार। दीपांशी पालीवाल। दीपांशी लास्ट टेस्ट में कितना स्कोर था आपका? 675। तो तैयारी अभी आपकी कैसी चल रही है? गिव मी अ राइट आंसर। और जितने बच्चे अभी जैसे दिवाली के टाइम पर आउट ऑफ ट्रैक हो जाते हैं, तो उनके लिए कोई सजेशन है आपके दिमाग में? मतलब फेस्टिवल तो हर साल आएंगे, अपनी स्टडी पे ध्यान दीजिए, जो जो आपके वीक पॉइंट्स हैं उनको फिगर आउट करो और उन पे काम करना शुरू करो, क्योंकि जो 7 दिन होते हैं ना उनमें हम बहुत टाइम है हमारे पास, तो हम काफ़ी मेहनत कर सकते हैं और जितने भी वीक टॉपिक है उनको हम अच्छे से पढ़ सकते हैं, ताकि हम आगे वाले टेस्ट में जो हमारा मेजर होने वाला है उसमें अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा बताओ, क्या ऐसा चेंज किया आपने इस साल तैयारी में जो 675 या 670 आप टेस्ट में स्कोर कर पा रही हैं? मैं थ्योरी मुझे पहले भी आती थी, बट अब ये थोड़ा मेरा एनालिसिस सही होने लगा, स्पेशली फिजिक्स में। मैं पहले क्वेश्चन देख के सिर्फ फॉर्मूला सोचने लगती थी, अब मेरी अप्रोच अलग है, मैं फॉर्मूला नहीं सोचती, अब मैं क्वेश्चन को समझती हूँ कि वो बोल क्या रहा है, क्योंकि हम सर हमेशा बोलते हैं कि जो अब इस बार पेपर आएगा वो सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड नहीं होगा, तुम्हें अप्रोच सीखनी पड़ेगी। तो सर की बदौलत मेरे फिजिक्स में अब थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट मुझे दिख रही है। चलिए दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको सर, प्लीज़ अनिकेत तुम इस तरफ आ जाओ ना, प्रोसीड करते रहो एक बार। ये फोटोज़ आप लोगों की ज़िंदगी में हमेशा के लिए याद रहेंगी, क्योंकि ये हमेशा के लिए सेव होने वाली है। और थोड़ा मेहनत करना, घर वाले देखेंगे तुम्हारे ये सब, है ना। यहाँ तुम चाहे कितनी पंचायतें ठोक दो, अगर तुम इन बातों को जस्टिफाई नहीं करोगे जो तुमने बोला है, तो कोई मतलब नहीं है। ऑल राइट, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। आ जाओ बालिका इधर, नाम बताओ पहले आपका। अनुष्का। कहाँ से हैं आप? फरीदाबाद हरियाणा। ठीक है, तो अभी आपकी तैयारी कैसी चल रही है अनुष्का? सर अच्छी चल रही है अभी। पक्का सिलेक्शन हो रहा है इस साल? डैम श्योर। पक्का? यस सर। तो पिछले साल से क्या चेंज किया आपने तैयारी में? सर पिछली बार मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री पे इतना ध्यान नहीं दिया था, बायो ही दिया था, लेकिन अभी जैसे आप ऑर्गेनिक पढ़ा रहे हो तो वैसे मैंने कभी ट्राई ही नहीं किया मैं चीज़ों को समझूं, राइट, मतलब टीचर्स की दूर की बात, बट आपका जो अप्रोच है आपने मतलब बहुत ज़्यादा मेरे को इन्फ्लुएंस किया है, और लिटरली इट हैज़ लाइक आई हैव चेंज अ लॉट एंड दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सो मतलब इम्पैक्ट तो आया है। और अब तो जिस तरीके से आपको जैसे ऑर्गेनिक हम लोग टीच कर रहे हैं जिस तरीके से, तो क्या उस तरीके से बाकी सारे सब्जेक्ट्स में भी अप्रोच करनी चाहिए, और वो क्या तरीका है? क्योंकि वो शायद मेरे हिसाब से बहुत बार स्टूडेंट्स तक नहीं पहुँच पाता कि कौन से तरीके की बात कर रही हैं, कौन सा तरीका है वो। सर जो चीज़ों को कंसाइज वे में आप पढ़ाते हो वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऑर्गेनिक इज़ वेरी वास्ट, तो उसको एक चीज़ में समराइज करना, और जब आपने बनाया है शॉर्ट नोट्स करके, मैंने भी जब उसको और ज़्यादा कंसाइज किया है तो वो बहुत हेल्पफुल है, और मेमोराइजेशन तो मस्ट है, वो मैंने किया है। मेमोराइजेशन कितने लोग करते हैं यहाँ पे बताओ एक बार, इतने लोग बैठे हैं उसमें से सब लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है भाई, तुम पूजा भक्ति आरती चाहे करो नहीं करो, वही तुम्हारे लिए भक्ति है। ईश्वर की तुम्हारे लिए भक्ति क्या है? मेमोराइजेशन। इंसान अगर किसी भी चीज़ का नाम बार बार ले जिससे उसका भविष्य ठीक हो, वही नाम उसके लिए भगवान है। इंसान किसी भी चीज़ का नाम अगर बार बार ले जो उसके लिए क्या है,
जो उसका भविष्य सही करे, वही क्या है उसके लिए? ईश्वर है। उसका नाम कुछ भी हो सकता है, मार्कोनिकोफ रूल भी हो सकता है। चलिए अनुष्का, ऑल द बेस्ट टू यू एंड हैप्पी दिवाली। सर प्लीज, बालिका आपका नाम बताओ और कहाँ से बिलोंग करते हो? बालिका लालवानी और मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। छत्तीसगढ़ से आप, कितना दूर है आपका घर यहाँ से? अप्रॉक्स 30 hours तो लगते हैं। कितना किलोमीटर है? 1400 किलोमीटर। 1400 किलोमीटर इनका घर है, तो ये बहुत बड़ी बात है। इतने दूर दूर के मेहमान यहाँ पर बैठे हैं। और किसी का अगर और ज़्यादा दूर हो तो वो क्या बता दीजिएगा, कम्पीट करने की ज़रूरत नहीं, तो हर चीज़ में कॉम्पिटिशन करने लग जाते। मेरा 1800 किलोमीटर है। चलो ठीक है, ऑल राइट भाविका, हैप्पी दिवाली टू यू एंड आई विश दैट यू अचीव योर ड्रीम दिस ईयर। धीरे धीरे खाना है। चलो ओके, ऑल राइट, हैप्पी दिवाली टू यू। बस खुश रहो, खुश रहो। बालिका आपका नाम बताओ और आप, एक सेकेंड, आपका घर कितना दूर है और आपको घर की याद आ रही है, ये सब बताना है आपको। 30 घंटे लगता है जाने। 30 घंटे। इस बालिका का नाम है पुष्पा और ये बिलोंग, मतलब झुकेगा नहीं वाला नहीं है। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझा वाला सीन नहीं है। सी इज फ्रॉम सीतामढ़ी बिहार। सीतामढ़ी है और नियर बाई नेपाल। और तो आपको घर की याद आ रही है? यस सर, बहुत ज़्यादा आ रही है। बहुत ज़्यादा आ रही है। इसका तैयारी कैसे चल रही है बताओ? सही चल रही है। सिलेक्शन हो रहा है इस बार? यस। ओके ऑल राइट, तो हैप्पी दिवाली टू यू एंड एन्जॉय। और भाई जो लोग चले गए हैं, खुश रहो खुश रहो, जो लोग चले गए हैं उनको लग रहा होगा कि हमने बहुत बड़ा अचीवमेंट ले लिया, हम लोग पहले भाग के चले गए तो, बट आप लोग टिके रहे। कई बार लाइफ में टिके रहना बहुत इम्पोर्टेंट होता है ना। जैसे मैक्सवेल, अभी आपने एक बार इनिंग देखी होगी, हाँ, तो टिके रहना बहुत ज़रूरी है, ज़िंदगी में चांस मिल जाते कहीं ना कहीं। नेक्स्ट वन प्लीज़। बालिका नाम बताओ आपका? जसदीप कौर मेरा नाम है। कहाँ से आई हूँ? ओडिशा। कितना कितना दूर है यहाँ से? 2300-2400 किलोमीटर दूर है। कितना टाइम लगता है जाने में? 3 दिन। 3 दिन लगते हैं? जी। और तुम्हारी छुट्टियाँ 7 दिन की है, तो 3 दिन जाने के 3 दिन आने के, ना तुम पहुँच ही नहीं पाती शायद, है ना। चलो ठीक है, हैप्पी दिवाली टू यू एंड ऑल द बेस्ट। ओके बस खुश रहो खुश रहो। आ जाओ बालिका, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? श्वेता मेहता। श्वेता कहाँ से हो आप? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से। कितना टाइम लगता है आपके घर पे जाने में? 2 दिन मैक्सिमम, ट्रेन पे डिपेंड करता है कैसे ट्रेन है। तो घर वालों ने आपको कहा कि भाई आना है इस दिवाली क्या? नहीं। क्या बोले, बोले मता? हाँ, मेरे पेरेंट्स ने बोला कि नहीं आओ और तैयारी करो बैठ के चुपचाप। चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट टू यू। मैंने आप लोगों, सब लोगों को कहा था कि भाई अगर आप लोग यहाँ स्टे करते हैं तो हम लोग दिवाली, अभी तो आज है ना, थोड़ी बहुत सेलिब्रेट हुई है, अभी और करेंगे, चिंता मत करो। आप लोगों को बुला लिया जाएगा, अपने पास और भी कई टाइप के इंतज़ाम है, आप लोगों को सारे इंतज़ामों में इंक्लूड किया जाएगा। चलो हैप्पी दिवाली टू यू, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वन प्लीज। आ जाओ बालिका, क्या नाम है आपका? रितिका साहू। रितिका आप कहाँ से हो? गुड़गांव हरियाणा। गुड़गांव से हो आप? इधर आओ एक बार। तो गुड़गांव गांव है कि कुछ और है? मतलब मैं जब भी गुड़गांव को देखता हूँ, मैंने कहा ऐसा भी गांव होता है क्या यार? पहले वो गांव था, फिर अब शहर में गांव था पहले। तो देखो, जैसे कोई शहर, कोई चीजें चेंज होती है, वैसे ही कंटिन्यूस एफर्ट से अपन भी इम्प्रूव हो सकते हैं। इस बार सिलेक्शन की कितनी उम्मीद है आपको? 100% पक्का? इस बात तो करना ही है। ओके चलो, ऑल द बेस्ट टू यू एंड कांग्रेचुलेशंस, हैप्पी दिवाली टू यू। डन। ओके आ जाओ भाई नेक्स्ट। आपका नाम बताओ एक बार? आयन मंडल। आयन मंडल कहाँ से हो आप? वेस्ट बंगाल। कितना टाइम लगता है आपके घर पे जाने में? नियर बाई 48 hours। ठीक है। अच्छा, यहाँ आके आपको मतलब डेली बेसिस पे आप क्लासेस लेते हो, तो आपको कैसा फील होता है? सर, हर एक पॉइंट रिवाइज हो जाता है, डेली इम्प्रूवमेंट आता है और एक शेड्यूल में रहता हूँ। तैयारी करना स्ट्रेसफुल है कि आनंद आ रहा है? नहीं, यहाँ पर लग रहा है कि आनंदफुल है ना। स्ट्रेसफुल नहीं है ना तैयारी? सर एंजॉय आता है बराबर? हाँ सर। क्या, किस चीज़ से एंजॉय आता है? आपकी क्लास से। बस मेरी क्लास से एंजॉय आता है। चलो ठीक है, हैप्पी दिवाली टू यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ओके ऑल राइट, ये हमारे किशन भैया हैं। सर मैं यूपी से हूँ। ये बच्चा बहुत सिंसियर है, क्लास में पूरा पार्टिसिपेट करता है, मतलब पढ़ाई के अलावा हर चीज़ में पार्टिसिपेशन है इसका।
इस बार सिलेक्शन हो रहा है? यस सर। पक्का? यस। क्या चीज़ इम्प्रूव करी है आपने सिलेक्शन के लिए? यहाँ सर मैं ऑर्गेनिक के लिए मतलब बहुत ज़्यादा रोता रहता था, मतलब आता ही रोते रहते थे। यस सर, बहुत ज़्यादा रोता रहता ऑर्गेनिक को देखते ही। अब तो तुम ट्रिक्स बना रहे हो? नहीं नहीं यार सर। हाँ हाँ, अब थोड़ा नए आइडियाज से चल रहा हूँ, मतलब अच्छे इम्प्रूवमेंट ज़्यादा हो रहे हैं, नंबर अच्छे स्कोर हो रहे हैं। अभी मान लो कल को तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा तो ये वीडियो तुम्हारे पेरेंट्स देखेंगे, क्या बोलोगे पेरेंट्स को? यही बोलेंगे कि जो हमको नहीं आने दे रहे थे अब आने दीजिए सबको जो आना चाहे वहाँ से। आपको क्यों नहीं आने दे रहे थे? कहें कि अजमेर, मतलब ऐसा नाम कभी सुने नहीं थे कि अजमेर में भी कोचिंग हो सकती है, तो फिर उनको समझाना और फिर यहाँ आना बहुत मुश्किल होता। अच्छा, कई बच्चे ऐसे थे यहाँ पर जो घर पे बोल के आए कि हम लोग कोटा जा रहे हैं और फिर वो यहाँ पर आए क्योंकि शायद घर वाले को पता ही नहीं है कि यहाँ भी तैयारी होती है। तो आपका ये जो आपने डिसीजन लिया वो फिर कैसा रहा? ये डिसीजन मेरे लिए बहुत अच्छा था और मेरे मतलब भाई लोग जैसे जो मेरे साथ में शुभम उभम जो मतलब यहाँ पे आए, शुभम उभम दोनों हैं आपके साथ? ठीक है शुभम। हाँ, ये सर उसने बोला कि नहीं यहाँ पे मतलब फैसिलिटी और टीचर बहुत ज़्यादा वो हैं जो लाइव पढ़ाते हैं वहीं पर, मतलब आपसे यहाँ मुलाकात कर लेंगे और उनसे आप कंसर्न कर सकते हैं आपकी प्रॉब्लम हर एक चीज़ यहाँ पे, मतलब हर एक चीज़ की प्रॉब्लम जो है आप सोल्यूशन हो जाता है। पक्का हो जाता है? तो अगर मान लो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? जौनपुर से, यूपी से। मैं जौनपुर से। तो यूपी से अगर कोई स्टूडेंट आना चाहे यहाँ पे क्या सजेस्ट करोगे उसको आप? ओ सर, उसको बेहिचक आना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक जैसे फैमिली की तरह है, सेल्से से एक फैमिली की तरह है यहाँ पे, कोई भी स्टॉप हर एक मतलब भाई की तरह है और मतलब बड़े की तरह है, सब सपोर्ट करते हैं यहाँ पे, टीचर तो एकदम मतलब पेरेंट्स की ही तरह है। कोटा या अजमेर में मतलब अगर वो कहता है कि नहीं मैं तो कोटा जाऊंगा तो आप उसको क्या बोलोगे? मतलब मैं कोटा के लिए तो कभी नहीं बोलता कोई भी। क्यों? बहुत लोग मुझसे सजेशन लिए हैं कि कोटा चला जाऊं, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रेस ज़्यादा है लोगों को, मतलब लोग बाग जो वहाँ पे हैं, मतलब जितने लड़के मुझसे बात करते हैं कि भैया यहाँ पे यार प्रॉब्लम बहुत होती है, टीचर से कॉन्टेक्ट नहीं हो पाता है, जैसे आते हैं टीचर कहते हैं हाँ बाद में डाउट लेता हूँ, तो ये चीज़ वहाँ पे नहीं है। तो टीचर बहुत बिजी है वहाँ पे? यस सर, वो अपने काम क्या काम करते रहते हैं? वो पढ़ाते हैं और 3 दिन क्लास यहाँ लेते हैं, 3 दिन कहीं और कोचिंग में, फिर 3 दिन और कहीं कोचिंग में, उन लोग का शेड्यूल ये फिक्स होता है तो वो बच्चे से कॉन्टेक्ट नहीं कर पाते हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट टू यू, हैप्पी दिवाली किशन, एंड आई विश कि आप रवि और किशन एक साथ बने रहे अपनी जिंदगी में। ऑल द बेस्ट टू यू। इसको दो वोक चाहिए, इसको दो वोक दे देना, ये बहुत टाइम से बोल रहा है। अगर तुमने इसमें से अंधाधुंध मिठाई और नमकीन खाई और तुम्हारी तबीयत खराब हुई, मेरे पास एडवाइस देने तुम आ गए, मैं तुम्हें पीटूंगा पता है, क्योंकि तुम हर बार पेट को लेके आते हो। यहाँ भी एक चीज और है, अब जैसे आपके पास जाता हूँ तो वहाँ पे ये सब बोल दे देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। और आपका नाम बताएंगे प्लीज? मेरा नाम शेखर रॉय है और मैं सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से। सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से, सिली और गुड़ी दोनों उसमें। ठीक है, आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे शेखर, जो वेस्ट बंगाल से बच्चा अगर यहाँ तैयारी करने आना चाहे? पहले तो बहुत ही अच्छा माहौल है इधर पढ़ाई का और सभी फैमिलियर है, तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगा सभी को आने के लिए। चलिए, ऑल द बेस्ट यू शेखर, एंड आई विश दैट यू गेट योर सिलेक्शन, एंड आई विश यू हैप्पी दिवाली अगेन प्लीज। अरे सबके लिए तालियां बजा दिया करो तुम लोग। आपका नाम बताएंगे? प्रद्युमन सिंह यादव। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? सर मैं एमपी के दतिया डिस्ट्रिक्ट से। तो अभी यहाँ तैयारी कैसी चल रही है आपकी? सर बहुत बढ़िया चल रही है। झूठ तो नहीं बोल रहे कैमरे के सामने? नहीं सर। पक्का? सर जरूरत नहीं उसकी, जरूरत नहीं है। तो क्या ऐसी चीज है जिसकी वजह से आप ये कह सकते हो कि आपकी तैयारी सही चल रही है, आपकी तैयारी में इम्प्रूवमेंट आया? सर एक यहाँ पे जो टेम्परामेंट के साथ जो एग्ज़ाम का स्ट्रेस होता है वो एकदम ज़ीरो है, मतलब ज़ीरो है, होता नहीं है, क्योंकि टीचर्स का गाइडेंस और जिस हिसाब से टीचर प्रोसीड करते हैं, जैसे मतलब आपका तो सीधा ही है, मतलब एक पेज में सारा मटेरियल को कोइंसाइज कर लेना है और बस, सबसे बेस्ट है, मतलब उससे अच्छा कुछ नहीं, मतलब वो सर ड्रॉपर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है वो। यस सर, 11वीं 12वीं वाले बच्चों के लिए तो वो स्ट्रेटेजी अगर कर देंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा उनको। यस सर, क्योंकि यहाँ पे जो भी आ रहा है कुछ ना कुछ तो पढ़ाई है, बाकी डिफ्यूज है पूरा, मतलब कुछ भी वैसा नहीं है, तो यहाँ पे एक वो टेम्परामेंट सबसे बढ़िया है। चलिए, हैप्पी दिवाली टू यू एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वन प्लीज, आ जाओ, नाम बताओ अपना। सर माय नेम सत्यानंद जायसवाल एंड आई एम फ्रॉम छत्तीसगढ़ अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ अंबिकापुर। सत्यानंद ये बताओ कि
अगर छत्तीसगढ़ का कोई स्टूडेंट यहाँ पर आए तो उसका ध्यान रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा? सर बिल्कुल 100% रखा जाएगा सर। पक्का श्योर है? हाँ सर। आपका रखा जा रहा है? बिल्कुल सर। कैसे कैसे ध्यान रखा जा रहा है आपका? सर पढ़ाई से लेके बाकी जो भी जरूरत पड़ रहा है मेरे को उसमें सब में जरूरत में जो जरूरत पड़ रहा है वो हर टाइप से सपोर्ट कर रहे हैं टीचर्स और जो हॉस्टलर्स के हॉस्टल के जो अंकल हॉस्टल के हाँ हॉस्टल के जो अंकल हैं वो भी सपोर्ट करते हैं कुछ भी जरूरत पड़ता है। अंकल सपोर्ट करते हैं? अंकल है कि भैया है? अंकल 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 है। यस सर। ठीक है चलो ऑल द बेस्ट टू यू एंड हैप्पी दिवाली भाई। ये जो एक सेकंड ये जो फुटेजेस हैं आप लोग के पास में फोन है ना आज तो उसका इस्तेमाल कर सकते हो भी आप है ना पूरी छूट है आप। इट्स नॉट ए क्लास राइट नाउ। चलो हैप्पी दिवाली टू यू एंड ऑल द बेस्ट। क्या नाम है आपका? मोहम्मद वासिफ फरीदी। कहाँ से हो आप? बिहार भागलपुर। बिहार भागलपुर से हो तो अभी याद आ रही घर वालों की? जी आती है लेकिन अभी तुम्हारी हार्ट रेट पता है बहुत तेज चल रही है ना मुझे यहाँ तक फील हो रही है वो। चलो ठीक है हैप्पी दिवाली टू यू। आप रिलैक्स रहो मस्त रहो है ना चिंता नहीं क्या करो ज्यादा। क्या नाम है आपका? अभयराज। कहाँ से हैं आप? अभय रानीगंज वेस्ट बंगाल। रानीगंज वेस्ट बंगाल। अच्छा वेस्ट बंगाल से कोई स्टूडेंट कोई ऐसा आपके कॉन्टेक्ट में आया जिसने पूछा कि तू कहाँ पढ़ रहा है? हाँ सर बहुत जन पूछे सर। और आपने क्या बोला यहाँ बताना? नहीं सर मैंने बताया सर मतलब जैसे हम ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक पढ़ते थे तो हम पढ़ तो लेते लेकिन क्वेश्चन में अप्लाई नहीं कर पाते थे लेकिन जब आपसे पढ़ते तो आप क्वेश्चन जो सॉल्व कराते तो अप्लाई करने में समझ आता है फिर आप जो समरी पढ़ाते उससे फिर रिवाइज भी अच्छे से हो जाता है। तो मैं स्पेशली आप केमिस्ट्री के लिए यहाँ पर आया फिर यहाँ पर आके मुझे मित्तल सर का पता चला फिर बायो भी बहुत अच्छी हो गई। और फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हो? फिजिक्स तो सर दोनों फैकल्टी बहुत अच्छे है सर। आ रहा है सब कुछ समझ में? हाँ सर। चलो ऑल द बेस्ट टू यू एंड हैप्पी दिवाली है ना मिलते रहा करो। तुम्हारे पास मेंटरशिप कार्ड किसका है? आपके से। तुम दिखे नहीं मुझे अभी तक। मिले सर आपसे। मिले हो चलो ठीक है फिर हैप्पी दिवाली टू यू एक बार सामने फोटो भी जा लो। नेक्स्ट प्लीज नाम बताइए आपका। शाहनवाज अंसारी। शाहनवाज कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? शिवांग बिहार। शिवांग बिहार से। तो मुझे बताइए कि जैसे यहाँ काफी सारे बच्चे बिहार और वेस्ट बंगाल के मुझे दिखे आप जब जिंदगी में यहाँ आए तैयारी करने तो कौन सी मेडिकल कॉलेज है आपका सपना कि मुझे इस कॉलेज में जाना है? ड्रीम कॉलेज एएमयू। एएमयू है तो हम शुभकामनाएं देते हैं आपको दिवाली पर कि बहुत जल्दी आपको एमयू एएमयू सब मिले ऐसी शुभकामनाएं हैं। हैप्पी दिवाली टू यू। अभिषेक कहाँ से हैं आप? यूपी से। यूपी से हैं तो कहाँ से यूपी में? यूपी देवरिया गोरखपुर। गोरखपुर से। बाबा आदित्यनाथ हैं योगी जी तो बुलडोजर बाबा से प्रेम है आपको? जी सर। बहुत ज़्यादा? यस। पक्का? यस। पेरेंट्स से प्रेम है? यस सर। तैयारी बिल्कुल सिंसियरिटी के साथ में कर रहे हो? यस। सिलेक्शन हो रहा है इस साल? यस सर। क्या इम्प्रूवमेंट आया तैयारी में? सर बहुत अच्छा। क्या क्या इम्प्रूवमेंट आया? सर जो मैं पहले से मेरे बिग कॉन्स थे वो अच्छे हो गए हैं। ठीक है चलो ऑल द बेस्ट टू यू एंड हैप्पी दिवाली। एक तो तुम लोग है ना शर्मा के यहाँ पर आधे चीज़ें तो भूल जाते हो कि मैं करना क्या है। चलो मैं तो आपसे मिल चुका हूँ आप मुझे बताइए आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर मैं आरिफ हुसैन और मैं सिवान बिहार से बिलोंग करता हूँ। आरिफ हुसैन सिवान बिहार से। तो आरिफ मुझे सच बताओ आपकी तैयारी कैसे चल रही है यहाँ पर? सर बहुत अच्छा चल रही है और आपका ऐसा ही आशीर्वाद रहा तो जीवन में कुछ ज़रूर अच्छा करेंगे। पक्का? ओके ऑल राइट हैप्पी दिवाली टू यू आरिफ। ये उदालक महाराज है मुझे इनका नाम बताने की जरूरत इनको पूछने की जरूरत है इनका नाम। सर कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? सर झारखंड से। झारखंड से हैं। आपके पापा भी डॉक्टर हैं? यस सर। तो पापा को जब आपने बोला कि मैं तैयारी करने यहाँ जाऊँगा तो पापा ने क्या बोला? पापा बोले पहले चले जाओ कोटा फिर बोले हाँ? नहीं पापा एक बार ट्रस्ट कीजिए तो फिर आपका वीडियो देखे तो बोले कोई बात नहीं एक बार करो फिर जैसे सर टेस्ट में प्रोग्रेस होने लगा तो सर को पापा को विश्वास हो गया कि चलो सही है तो फिर बोले पापा दीपावली में आ जाए तो बोले कोई बात नहीं रुक जाओ थोड़ा ही दिन का तो बात है और यही दिक्कत है। तो मुझे बताओ कि दिवाली पे सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या लगती है आपको? रॉकेट लगती है वो कि चक्रा लगता है फुलझड़ी क्या क्या अच्छा लगता है? वो सर देखने में बस अच्छा लगता है खुद फोड़ने में अच्छा मतलब चलाने में अच्छा नहीं लगता। चलो ठीक है हैप्पी दिवाली टू यू दालक ऑल द बेस्ट। अरे तालियां तो जोर से बजा ले तुमने क्या यार। चलो ऑल राइट खुश रहो। अपना नाम बताएंगे एक बार और जगह का नाम बताइए। मेरा नाम प्रिंस कुमार है हम झारखंड से।
ये प्रिंस है, ये झारखंड से। प्रिंस, आपकी तैयारी कैसी चल रही है यहाँ पर? सर बहुत बढ़िया चल रही है। मतलब पक्का झूठ बोल रहे हो? ना सर। पक्का? यस। क्या तैयारी में क्या चेंज आया आपके? तैयारी में चेंज इस प्रकार से था कि पिछले बार जब हम तैयारी कर रहे थे तो मतलब घर से ऑनलाइन कर रहे थे, तो वहाँ चीज़ें अगर समझ में आती नहीं थी, और यहाँ पे फिर तो यहाँ पे ऐसा रहा कि मतलब डाउट भी पूछने की जरूरत नहीं, ऐसा अच्छा लग रहा है। ऐसी बात है। इस बार सिलेक्शन हो रहा है पक्का? जी सर। श्योर हो? 100% श्योर हो? बिल्कुल। इसकी फ़ोटो खींच लेना, और यही फ़ोटोज़ काम आएगी बाद में जब इसका, क्योंकि ये कह रहा है 100% सिलेक्शन है मेरा, कोई रोक नहीं सकता दुनिया में। डन है? चलो ठीक है। प्रिंस के लिए एक बार जोरदार ताले बजाओ भाई। ऑल द बेस्ट टू यू, खुश रहो, आबाद रहो। हैप्पी दिवाली टू यू। नेक्स्ट वन, ये किसी जानकारी के मोहताज नहीं है, ये हमारे वायरल स्टार हैं। आपका नाम बताएं, आप कहाँ से बिलोंग? मेरा नाम हरमनप्रीत है। इनका नाम हरमनप्रीत है और कहाँ से? पंजाब से। पंजाब से हैं। हरमन, ये बताओ, क्लास में जब आप यहाँ बैठ के तैयारी करते हो, लोग बात कहते हैं कि नीट की तैयारी बहुत टफ है, बहुत स्ट्रेसफुल है, बहुत सारा कंटेंट है, स्ट्रेस है इधर? नो सर, इधर मतलब टीचर्स बहुत अच्छा मतलब पढ़ाते हैं। जैसे कि पहले मेरे को फिजिक्स बहुत टफ लगती थी, लेकिन केशव सर का तरीका मतलब वो हर चैप्टर को रिलेट कर देते हैं, तो ईजी लगने लग गई है फिजिक्स, और इनऑर्गेनिक भी मेरी अच्छी हो गई है। बायो नहीं आती है आपको? बायो तो सर सबको आती है। ऐसे लगता था कि रटने वाला है, लेकिन मित्तल सर जैसे बिल्कुल एकदम लॉजिकल बना दिया है उसको। चलिए, ऑल द बेस्ट टू यू हरमनप्रीत। ऐसे आप एक 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 शायरी तो हो सकती है आज, चलो बाद में देख लेंगे एक बार सबसे लास्ट में, अभी सब हैप्पी दिवाली टू यू एंड ऑल द बेस्ट। ओके, नेक्स्ट वन प्लीज। ये हमारे पास क्रांतिकारी बालक आ चुके हैं, और इनकी कहानी तो मुझे याद ही है। आप मुझे बताओ, जब आप यहाँ तैयारी करने आए थे तो घर पे क्या बोल के आए थे? घर में बोला था कि मैं जा रहा हूँ अजमेर, ठीक है, और वहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, और वो देख टीचर्स को देख के मैंने उन्हें भी बताया, और एचओ सर की वीडियो आई थी वो बताया, और बाकी टीचर्स को देख के आया। आपने ये तो नहीं बोला कि मैं कोटा जा रहा हूँ फिर आप यहाँ आ गए? नहीं, मीन्स पिताजी वगैरह को समझाए थे। हाँ हाँ, क्या बोल रहे थे पहले वो? कि ये अलग लग रहा है कुछ। कहाँ से बिलोंग करते हो आप? मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ। झारखंड में कहाँ से? गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट है। अगर यहाँ से जाओगे कितना टाइम लगेगा? सर 1200 किलोमीटर है, बाकी ट्रांसपोर्टेशन पर डिपेंड करते हैं। चलिए, हैप्पी दिवाली टू यू एंड ऑल द बेस्ट। ओके, खुश रहो। नेक्स्ट वन, आ जाओ, मस्त रहो। नाम बताओ अपना। सुमंत लायक, वेस्ट बंगाल। वापस बताओ नाम। सुमंत लायक, वेस्ट बंगाल। सुमंत लायक, वेस्ट बंगाल। बंगाली में समझाओ कि यहाँ तैयारी करके कैसा लग रहा है, सिर्फ बंगाली, हिंदी में नहीं बोलना है। এখানে প্রস্তুতি করে খুব ভালো লাগছে আমার। हम्बा हम्बा जुम्बा जुम्बा डम्बा डम्बा तो नहीं है? हैं, वो तो नहीं है जो हमारी ममता दी बोलती रहती है, जुम्बा जुम्बा खम्बो खम्बो हम्बो हम्बो, ऐसा तो कुछ नहीं है। चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट टू यू एंड हैप्पी दिवाली। ये दिवाली, ये दिवाली, ये दिवाली,